बोर्ड के टेस्ट सीरीज में राजस्थान प्रीलिम्स के लिए आज ही हमारा दूसरा टेस्ट है। कल टेस्ट डिस्कस किया था हमने पॉलिटी का, तो आज के टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो आज का टेस्ट ज्योग्राफी का है, उसमें राजस्थान के और इंडियन ज्योग्राफी के दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन दोस्तों ने साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। देखिए आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस टाइम क्लास आ रही है, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको ये क्लास प्रोवाइड होती है कि नहीं होती है, वो मतलब उससे फिर आपको पता नहीं लग पाता है जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग में यानी कि कौन सा अलग है तो इनमें से। तो पहले की बात करते हैं हम, मरुस्थली प्रदेश, भौतिक प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 61.11, तो ये बात ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरे को कह रहा है कि हड़ौती प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 8.69, तो यही गलत है। वहीं पर अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना 9%, मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है 23%, तो हड़ौती प्रदेश का क्षेत्रफल ये नहीं है। तो कितना क्षेत्रफल है, तो यह 6.89% हड़ौती क्षेत्र का। तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। तो आपको इनके तीनों का डाटा भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए हड़ौती क्षेत्र आपने अगर देखा होगा तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व जो जिले हैं ये हड़ौती का क्षेत्र है। इधर दक्षिण पूर्व में हड़ौती का क्षेत्र कहें इसको, या फिर विंध्याचल की रेंज कहें इसको। इसमें यहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है, यहाँ पर काली बेसाल्ट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु आर्द्र प्रकार की है, वर्षा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होती है। और परसेंट कितना क्षेत्र है, ये 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बालुका स्तूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करते हुए असत्य आपको कथन को बताना है। तो देखिए हमादा में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात ठीक है। बालुका स्तूप के सभी प्रकार जैसलमेर में पाए जाते हैं, तो ये बात गलत है। यानी कि सभी प्रकार एक जगह यहीं पाए जा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है, मतलब बहुत ही मुश्किल उसमें होता है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, बालुका स्तूप के सभी प्रकार ये जोधपुर में यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर पाया जाता है। नेक्स्ट है, पैराबोलिक स्तूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह बालुका स्तूप सभी जिलों में पाए जाते हैं, पहले स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, स्तूप बरखान के विपरीत ये क्लिपनुमा आकृति में होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट ये कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन जो है ये सही नहीं है, जबकि दूसरा कथन सही है। तो ये आपका आंसर पहला हो गया, हमने ये नहीं पढ़ा था तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया करें, ठीक है। पहला ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थल के विस्तार क्षेत्र को चयन करना है आपको, तो कौन कौन से इसमें। देखिए पहला हो गया पोकरण हो गया, ये बालुका स्तूप मुक्त की बात कर रहा है। पहला पोकरण हो गया, उसके बाद में दूसरा रामगढ़ हो गया, तीसरा आपका थोब हो गया, उसके बाद में पांचवा फलोदी हो गया। यहाँ ये क्षेत्र नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा पांचवा इसका आंसर आ जाता है। बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थल यानी कि हमादा का विस्तार निम्नानुसार कहाँ कहाँ पर, जैसलमेर में, पोकरण में, रामगढ़ में, लोधरबा में, बाड़मेर के, बालतोरा, थोबे में, जोधपुर के, फलोदी में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में खड़ीन कृषि किस क्षेत्र में सर्वाधिक की जाती है, तो कहाँ पर, ये जैसलमेर में की जाती है। तो राजस्थान में होता क्या है कि मरुस्थल में मिलने वाली अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन कहा जाता है, तथा यहाँ सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है, और ये किसके द्वारा, पालीमाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपका बायतू और सांचौर से। बायतू कहाँ पर है, बायतू है आपका बाड़मेर में, और सांचौर है आपका जालौर में, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा असुमेलित है ये बताना है। एक तरफ अरावली है, दूसरी तरफ सर्वोच्च चोटी है। तो पहले की बात करें हम, पहला है कि उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ है, तो ये चीज़ ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा, मध्य अरावली में तारागढ़ है, बट है तो बट सर्वोच्च चोटी नहीं है इसकी। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये सर्वोच्च चोटी है इसकी टाटगढ़, तो टाटगढ़ सर्वोच्च चोटी है। तो ये किसकी ऊंचाई है इसकी 934 मीटर, जबकि तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है 873 मीटर है। तो दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा हमारा आंसर है। दक्षिणी अरावली में देखें, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए कि उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली में कौन सी है, और ये साउथ में गुरु शिखर तो है ही सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर रघुनाथगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर कौन सी है, टाटगढ़ है, और यहाँ पर गुरु शिखर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को आरोही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। तो आरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। तो आप जानते हैं कि शेर, गुरु शेर है ना, तो गुरु शेर यानी गुरु सबसे ऊंचा है, फिर शेर है दूसरे नंबर पे,
जरा, तो शेर सबसे बाद में आएगा यहाँ पे, तो जरगा, फिर कमलनाथ, फिर खो, यानी कि पहला आंसर आपका आ जाता है। तो ये कौन कौन सी, देखिए शेर कहाँ पे, सिरोही में 1597 मीटर है, जरगा उदयपुर में 1431, कमलनाथ उदयपुर 1000, खो जयपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ अवस्थिति है इसकी। तो पहले की बात करें हम, तो त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है, तो त्रिकुट पर्वत है आपका करौली में, त्रिकुट पर्वत है कहाँ पर, करौली में। उसके बाद में त्रिकुट पर्वत करौली हो गया, और इसराना भाकर कहाँ पर, इसराना भाकर है आपका जालौर में। वहीं बात करें हम माझला मगरा की, तो माझला मगरा कहाँ पर है, उदयपुर में है। और बिजराल की हम बात करें, तो बिजराल कहाँ पर, राजसमंद में। तो आपका इनमें से ये आंसर हो गया। जबकि बात करें हम जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी है, तो इसको कन्फ्यूज मत करना आप, तो सोनार्क दुर्ग में त्रिकुट पहाड़ी है, जबकि ये कौन सा, त्रिकुट पर्वत है ये। त्रिकुट, अगर त्रिकुट पर्वत पूछे तो करौली है, और त्रिकुट पहाड़ी पूछे तो ये जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा असुमेलित है एक बताना है, विशेष आकृति वाली पहाड़ियाँ और संबंधित जिले। तो गोलाकार पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में है ये। दूसरा अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ये कहाँ पर है, बूंदी में। सर्पिकाल जयपुर में। तस्त्रीनुमा पहाड़ी कहाँ पर, ये राजसमंद में ना होगा, उदयपुर में है ये, ये उदयपुर में स्थित है। क्लियर है, तो ये डी आंसर आया था हमारा। महान सीमांत भ्रंश निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित नहीं है, तो कौन से में अवस्थित नहीं है, भीलवाड़ा में है, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, नहीं है ये। तो महान सीमांत भ्रंश यानी GVF अरावली से हड़ौती के मध्य है स्थित एक भ्रंश, जो भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, यानी कि BBC। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, एक तरफ तो फसल है, दूसरी तरफ मिट्टी है, तो सुमेलित करना है। तो आप सब जानते हैं कपास कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है, तो इसका तो चौथा है ही, चौथा किस में आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा सही आंसर आ जाता है। जो की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी आ गई, वहीं पर बाजरे की बात करें तो रेतीली मिट्टी आ गई, मक्का की बात करें तो लाल रेशमी मिट्टी आ गई है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा असुमेलित है ये बताना है, एक तरफ वैधानिक बोर्ड है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो राज्य भूमि विकास बैंक कब बना था, 1975 में बना था ये। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कब बना था, 1970 में बना था। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 75 ये 74 में नहीं हुई थी। क्लियर, तो यही असुमेलित पूछ रहा है। राजस्थान राज्य पत्र निगम कब बना, 1964 में बना ये। उसके साथ साथ में कृषि भंडारण देख लेते, 1957, और राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974। सत्रहवीं वनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर इसका अवरोही क्रम में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। उदयपुर में 23%, यहाँ पर 23.24, यहाँ 17, यहाँ हुई है। ठीक है, यानी कि UP के नाम से याद रखना, UPSK। ठीक है, यहाँ पर वनों में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट है, प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं, बात ठीक है। 17वीं गणना 2021 के अनुसार राजस्थान में वन 25,388 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, तो दूसरी बात भी ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगर प्रतिशत की दृष्टि देखें तो 7.41% पर यहाँ पर वन मिलते हैं, जिसमें वनाच्छादित कितने 4.87 और वृक्षावित कितने 2.56। तो आपको ये तो डेटा पता होना चाहिए, साथ साथ में इन दोनों को भी रट्टा मार लो, 7.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि अगर हम देखें तो 25,388 वर्ग किलोमीटर वन है, वनाच्छादित है कितने इसमें से 16,000, और ये वृक्षाच्छादित है 8,733। चलिए नेक्स्ट है, वनों के भौगोलिक वर्गीकरण को उनके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प कौन सा है। तो सबसे देखिए अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा देखना, पहले उष्ण थोक वन है, फिर मानसूनी वन, फिर उष्ण सागवान वन, उष्ण सदाबहार वन सबसे कम है यहाँ पे, तो बी आंसर आपका आ जाता है। उपोष्ण उष्ण शोक थोक वन कितने 58% है, मानसूनी वन 28, सागवान 7, कटीले 6, और सदाबहार यहाँ पे सबसे कम 1 पाए जाते हैं। एक तरफ तो प्रमुख वृक्ष है, दूसरी तरफ अवस्थिति है कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता, तो इसमें से असुमेलित बताना है। तो महुआ आपको पता है डूंगरपुर में होता है, रोहिड़ा चित्तौड़गढ़ में, सागवान बांसवाड़ा में, ये तो कौन सा गलत है, तो रोहिड़ा चित्तौड़गढ़ में नहीं होता। रोहिड़ा कहाँ पे होता है, ये रोहिड़ा होता है आपका जोधपुर में, तो जोधपुर इसके आगे जोधपुर आएगा, तो आप टिक करेंगे, तो रोहिड़ा आपका गलत है, तो रोहिड़ा तीसरा गलत है पहले में इसमें। रोहिड़ा को मरु सागवान भी कहा जाता है, यह राजपुत्र दर्जा 1983 मिला, सर्वाधिक वितरण यानी कि जोधपुर संभाग में पाया जाता है इसका। देखिए एक तरफ तो प्रमुख घासें हैं, संबंधित जिले हैं दूसरी तरफ। तो मोथा घास आपने देखा होगा, मोथा घास कहाँ पर मिलती है, भरतपुर में मिलती है।
वहीं मोचियाँ कहाँ पर मिलती, मोचियाँ मिलती हैं आपको चूरू में। बुर घास की बात करें तो बीकानेर में होगी, और बांस, बांस बांस तो आपको पता ही है, फिर बांसवाड़ा, जहाँ पर बांस मिलेगा वहीं बांसवाड़ा होगा, तो भी इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है कौन सा है सुमेलित है, ये बताना है इसको बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से पढ़ना है इसको। तो देखिए रेबान रेबरीना मृदा बीकानेर में नहीं मिलती, ये ऊपरी जिलों में मिलती है गंगानगर में, तो ये रेबरीना मृदा गंगानगर में मिलती है। बाकी रेड लॉन्ग प्रतापगढ़, भूरी भीलवाड़ा, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, तो पहला इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कतों पर विचार करना है इसमें। तो एंटीसोल मृदा अरावली के पश्चिम देख कौन सा असत्य बताना है। तो एंटीसोल मृदा अरावली के पश्चिम में अर्धशुष्क प्रदेशी जलवायु में पाई जाती है, ये बात ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का नाम एरिडसोल है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है। बर्टिसोल काली या चरणोजी मृदा को कहते हैं, तो पहली और तीसरा सही है इसमें, दूसरा गलत है। अब बात करते हैं, तो पहले नंबर पर कौन सी आती है, एंटीसोल है, लेकिन ये कह रहा है पहले नंबर पर एरिडसोल आती है, दूसरे पर आती है एरिडसोल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस मृदा से संबंधित है कौन सा कथन, ये बताना है इसमें। देखिए इस मृदा को रे अथवा कल्लर नाम से जाना जाता है, इसमें केशिक प्रक्रिया होती है और अनार व गन्ने के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो कौन सी मिट्टी है, ये लवणीय मृदा है। ये कहाँ पर मिलती है, बाड़मेर, जालौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा अपकर्षण पद का सही रूप में दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो ये मृदा की भौतिक रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना, उसको तो कहते हैं मृदा अपकर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है राजस्थान में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये कथन ये गलत है। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, आप देखें तो कर्क रेखा से उत्तरी साइड में है, अधिकतर ये राजस्थान पूरा दो ही जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पे। तो वो कौन से जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कुछ हद में उष्ण कटिबंधीय ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी चीज़ हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा है कि केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के कुछ भाग ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, तो ये बात गलत है, ये उष्ण कटिबंधीय में अवस्थित हैं, क्लियर है। तो ये गलत हो गया। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में अन्य की तुलना में थर्नबेट का वर्गीकरण अधिक मान्य है, तो तीसरी बात ये ठीक है। अब देख लेते हैं ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो आपने देखा होगा राजस्थान के जो इधर का साउथ का भाग है यहाँ पर ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, इसमें जिले आते हैं आपके बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया कुछ हद तक, तो दूसरा तीसरा ही जिले आते हैं। तो ए डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है ये सवाना यानी कि ऊंची पे घास समाघन बांस वाली वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे विस्तार हड़ौती बूंदी को छोड़कर बागड़ वे माउंट आबू तक विस्तृत है। कौन सा सही सुमेलित है, एक तरफ ग्रीष्म ऋतु में होने वाली घटना है, दूसरी तरफ अर्थ क्या है इसका। तो देखिए पहले का अगर लू की बात करें तो गर्म में शुष्क हवाएं होती हैं, तो पहले ही बात ये ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरे तीसरा ये गया, मतलब तीसरा चौथा गया। दूसरी की बात करें आंधी धूलभरी पे चक्रवाती हवाएं नहीं होती हैं, तो ये ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी पे आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं जिनको आंधी कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा में अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है बांसवाड़ा, उसके बाद बूंदी, फिर जयपुर, फिर हनुमानगढ़, तो ये आपका आंसर आया था सी। अब जिले में देख लेते हैं कौन कौन सी जलवायु मिलती है। बांसवाड़ा में आद्र जलवायु मिलती है, बूंदी में ये मतलब अति आद्र होती है, यहाँ पर बूंदी में आद्र, जयपुर में उपाद्र और हनुमानगढ़ में अर्धशुष्क। राजस्थान में मानसून के निवर्तन की तिथि कितनी है, तो 30 सितंबर के बाद में मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है, आता कब 25 जून को, कब सबसे पहले कहाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर, 30 सितंबर तक वापस होना स्टार्ट हो जाता है। शीतलहर की दिशा होती है कैसी, तो शीतलहर चलती है आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन ड्रॉप्स का संबंध किससे है, तो गोल्डन ड्रॉप्स होती है भूमध्य सागरीय विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जिससे गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट है, एक तरफ कथन दूसरी तरफ कारण दे रखा है। राजस्थान में अधिकांश नदियाँ अंतर्प्रवाही प्रवृत्ति की हैं, तो ये बात ठीक है, क्योंकि कारण क्या, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक है, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किन नदियों का खंभात की खाड़ी में निवास होता है, तो कौन सी नदियाँ, एक तो माही और दूसरी सरस्वती। माही वे सरस्वती नदियों का उद्गम कहाँ से होता, मेहंद झील मध्य प्रदेश, वे पदराड़ पहाड़ी उदयपुर से होता है इनका। नेक्स्ट है, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो एक तो डीसा नगर हो गया और तीसरा जो कौन सा हो गया, डीसा नगर के साथ में फिर ये अबू हो गया, तो दूसरा और तीसरा जिसमें आएगा वो आंसर है। भुज झील किस नदी पर स्थित है, तो ये काकनी नदी पर स्थित है भुज झील।
कहाँ पे? ये जैसलमेर में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। मीठे पानी की झील है ये। नेक्स्ट है, सांवर झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी? मेंथा नदी है जो सबसे ज़्यादा लवणता लेकर आती है। और कौन सी नदी है जो यहाँ पे आके अपना पानी डालती है? एक तो खंडेल नदी हो गई जो इधर सीकर की साइड से आती है, मेहता नदी आ गई जयपुर की साइड से, खारी नदी नागौर से, और रूपनगर या अजमेर साइड से आती है। नेक्स्ट है, चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? चुलिया ही है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चंबल नदी पर मैसूरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो आपको जिले का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है इसमें? तो पहला देखिए, बाणगंगा खमनौर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, तो यही गलत है। तो ये बैराट की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है। साबी सेबर पहाड़ियाँ, सोम बिछाड़ा बिछामेड़ा, कांतली खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो पहले कथन है, देखिए असत्य बताना है इसमें, तो ये ध्यान रख लिया करें। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना बनास नदी पर स्थित है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, इसका अतिरिक्त पानी मेजा बांध भीलवाड़ा को वितरित किया था, तो ये बात गलत है, दूसरा आंसर आ जाता है। तो देखिए, बीसलपुर परियोजना का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध यानी सवाई माधोपुर में वितरित किया था, तो यहाँ पर ये गलत है। ये बीसलपुर को 2008 में राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, उद्योग और दूसरे इस तरफ स्थान दे रखे हैं। तो आपने देखा होगा जो कैप्स्टन मीटर है, तो कहाँ पे होते हैं वो कैप्स्टन मीटर? आपके जयपुर और पाली में होते हैं। तो जहाँ पे भी जयपुर और पाली आ गया, उसका आंसर आपको वहीं पर टिक कर देना, जयपुर पाली। तो पहले का तीसरा आ गया, तो पहले का तीसरा एक में ही है। वहीं बात करें हम बी की सिमोगा बैगन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये है आपके भरतपुर में। वहीं बात करें जेके इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है, ये जेके इलेक्ट्रॉनिक्स है कोटा में। वहीं पर फ्लोराइड संयंत्र कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में। आंसर आया था आपका। नेक्स्ट है, एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो राजसमंद झील क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है। राजसमंद झील अकाल रहित कार्य हेतु निर्मित की गई थी। इसके किनारे देवर माता मंदिर तथा द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, पंचपदरा झील से संबंधित कथनों पर कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें आपको सही बताना, तो ये रेस्ट्रा ये झील से प्राप्त नमक, तो ये कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला ही सही सुमेलित है। बाकी खारवाल की बात करें तो हम, तो खारवाल पंचपदरा झील से नमक प्राप्त करने वाली जाति है, तो उपयुक्त झाड़ी ये नहीं है। ठीक है, खारवाल पंचपदरा झील से नमक प्राप्त करने वाली जाति है, झाड़ी नहीं है। मोरली क्या है? पंचपदरा नमक से प्राप्त करने वाली उपयुक्त झाड़ी है। यहाँ पर उल्टा उल्टा कर दिया था ये। अब एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो जंगली तालाब की अगर हम बात करें, तो जंगली तालाब कहाँ पर है? जंगली तालाब है आपका रणथंभौर में। वहीं बात करते हैं शुक्र तालाब है आपका नागौर में। सरेरी तालाब की बात करते हैं, तो सरेरी तालाब है आपका झुंझुनू में, और पन्नालाल ये तालाब है आपका भीलवाड़ा में। तो आपका आंसर आ गया, सॉरी, पन्नालाल तालाब आपका झुंझुनू में, और सेरी तालाब है आपका ये भीलवाड़ा में। तो डी आंसर आ जाता है। देखिए, काला तालाब भी सुख तालाब कहाँ रणथंभौर में, खारी तालाब कहाँ भीलवाड़ा में। मदार बांध किस जिले में अवस्थित है? तो मदार बांध है आपका उदयपुर में। मदार बांध उदयपुर के बड़े बांधों में से एक है, जो बेड़च नदी पर स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं? तो कौन से वो क्षेत्र हैं? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में उष्ण शुष्क मानसूनी वन भौगोलिक वन का 28% है। इसका मेवाड़ क्षेत्र में पूर्वी मैदानों में अलवर हो गया, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक है। वन कौन कौन से? साल हो गया, सागवन, शीशम, आम, चंदन। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या के बारे में, कहाँ पर न्यूनतम? बीकानेर और नागौर में न्यूनतम जनजाति है किसकी? एसटी की। न्यूनतम देख लिया आपने, बीकानेर और में है। और अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के बारे में देखिए, अगर जनसंख्या के बारे में देखें तो बीकानेर नागौर है, अगर परसेंट के बारे में देखें तो नागौर और बीकानेर है। क्लियर है? तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में पूछा था, तो दोनों ए दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ापन किस में है? तो दक्षिणी राजस्थान में है। कौन कौन से जिले हैं न्यूनतम साक्षरता? प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही हो गया, ये हो गया आपका। राजस्थान में क्रम से पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर पर सही क्रम कौन सा? तो 79 पुरुष है और 52.1 महिला साक्षर है। राजस्थान के किस या किन जिलों का औसत लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो भाई साहब 1000 से अधिक, ये कब की बात कर रहा है? 1000 से अधिक तो इसमें से किसी का भी नहीं है, बट सबसे बड़ा जो है वो डूंगरपुर का ही सबसे ज़्यादा है, वो भी 994 करीब है। तो निम्नलिखित में से किस युग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो
कहाँ पे रही है? सबसे ज़्यादा वृद्धि जोधपुर और बांसवाड़ा में। बाड़मेर की बात करें हम वृद्धि दर की, तो 32%, इसमें ऑप्शन ही नहीं बाड़मेर का, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर और फिर बांसवाड़ा में। तो आपको पता होना चाहिए बी जे जे बी, क्लियर है? तो वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो आप जानते हैं कि जैसलमेर में 100 से कम है, उसके बाद में बाड़मेर में 100 से कम है, बी में 100 से कम है, यानी जे बी बी में सबसे कम है। तो पहला दूसरा तीसरा आ जाता है। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है और बाड़मेर में 92 है। मक्का की फसल निम्नलिखित में से किन कृषि जलवायु प्रदेशों में प्रमुख रूप से की जाती है? तो एक तो हो गया उप आद्र दक्षिणी मैदानी और आद्र दक्षिणी मैदानी में की जाती है। तो पहला दूसरा आंसर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, किन फसलों के उत्पादन में श्री गंगानगर का प्रथम स्थान है? तो आप जानते हैं कि गन्ने में, जौ में इनका प्रथम स्थान है। वहीं बात करें कपास में, तो हनुमानगढ़ है इसमें प्रथम स्थान पर। गंगानगर में जौ हो गया, गन्ना हो गया उत्पादन प्रथम स्थान, हनुमानगढ़ में गेहूँ कपास में प्रथम स्थान, अलवर बाजरा, भीलवाड़ा मक्का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 के अनुसार देश के 5 राज्यों में 12 किसान सर्किटों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। तो ये बात ठीक है। इसमें राजस्थान राज्य के 3 जिलों में धार्मिक स्थल सम्मिलित हैं, तो दोनों बातें ठीक हैं। कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं? राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी या गलना जी या कनक वृंदावन, सीकर में खाटू श्याम जी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो 1975 में ये विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ पर्यटन परिपथ हैं। तो पहले की बात करें हम केवंज माता मंदिर की, तो ये आपका उदयपुर हो गया। वहीं बात करते हैं हम ये छितर प्लेस की, तो जोधपुर हो गया। वहीं ओखारानी का महल कहाँ पर है? ये है आपका माउंट आबू में। और हवाला ग्राम कहाँ पर है? ये है आपका हवाला ग्राम है, ये उदयपुर में, तो हवाला ग्राम है। तो फिर ये है आपका जैसलमेर में, खेचा खिपच मंदिर का है, ये जैसलमेर में है। डी आंसर आ गया। नेक्स्ट है, जल देवी माता जी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो ये जल देवी अगर माता जी मंदिर आए तो पूछे, ये राजसमंद में है, ये राजसमंद के सांसेरा में। नेक्स्ट है, असुमेलित को पहचानना है। भाई इसने बहुत असुमेलित पूछ रहा है, तो बीपीएससी आरपीएससी भी नहीं पूछता है। पारिस्थितिक तंत्र वे संबंधित विशेषता कौन सी है? तो पहला अरावली पारिस्थितिक तंत्र, सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता वाला परितंत्र है, तो पहली बात ठीक है। पूर्वी मैदान सर्वाधिक जैव विविधता परिवार तंत्र है, ये हड़ौती वाला ये गलत है, तो पहला दूसरा इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो 2017 में लागू की गई थी। निम्नलिखित वृक्षारोपण कार्यक्रम को उनके प्रारंभ वर्ष में सम्मिलित करना है? तो वृक्षारोपण कार्यक्रम, दूसरी तरफ प्रारंभ के वर्ष। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना कब आई थी? तो ये योजना आई थी भाई साहब 1996 से 2016 के लिए। दूसरी तरफ बात करते हैं हरित राजस्थान, तो ये आई थी आपको 1977-78 में। वन धन योजना के बारे में बात करते हैं, तो 2015 में ये आई थी। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब आया था? तो ये आया था 1992 में। इसका आंसर आ गया डी, 1977-78 में ये मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन यानी 27वां रिजर्व घोषित किया गया है? तो घोषित किया बांछ अमली कंजर्वेशन रिजर्व को। बाकी देख लेते हैं, बीड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें सातमाता झुंझुनू में है, खिंचन की बात करें जोधपुर में है, बांझ वाली कहाँ पर? 12 में, और अरबर गांव कंजर्वेशन कहाँ पर? अजमेर में है। ये कजरी के उपकेंद्रों के बारे में बताना आपको कौन कौन से हैं, तो पहला जैसलमेर में है, दूसरा भुज में है ये, फिर लेह में है, तो ये तीन हो गए। कजरी की स्थापना ICR के सहयोग से जोधपुर में की गई थी। 5 उपकेंद्र हैं उसके, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लेह। उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सम्मिलित ऊर्जा नहीं है, तो कौन सी? हाइड्रो ऊर्जा। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है? तो कौन कौन सी? टनकपुर परियोजना, चंबल परियोजना और राहू घाट परियोजना। सॉरी, इसमें एक तो हो गया आपका चंबल परियोजना, राहू घाट परियोजना, तीसरा है टिहरी परियोजना। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना का देखिए, चंबल परियोजना के बारे में देख लेते हैं पहले कि चंबल परियोजना तथा राहुल घाट परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का योगदान बराबर है, इसमें दोनों चंबल नदी पर हैं। टिहरी परियोजना की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को लाभ पहुँचता यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में शारदा नदी पर स्थित है, तो ये दूसरा सही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सत्य बताना है इसमें। तो सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल और कोयला ये प्लांट है। तो ये देखिए पहला प्रथम सुपर थर्मल प्लांट तो है ये, बट पहला कोयला थर्मल पावर प्लांट नहीं है। पहला कोयला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर? कोटा में है ये, ठीक है, कोटा में। दूसरा सुपर ताप ये थर्मल पावर प्लांट भी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दानपुर सुपर सुपर थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में स्थित है, जबकि ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में नहीं, बांसवाड़ा में स्थित है। ये बांसवाड़ा में स्थित है, ये क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा स्थान। तो पहले की बात करें हम कबई, कबई कहाँ पर है? बारा में है। दूसरे की बात करें ये भादरेस, तो भादरेस है आपका बाड़मेर में। बरसिंहसर सब जानते हैं बीकानेर में है। कहलगांव कहाँ पर? ये कहलगांव आपका बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, तो आपका ए सी आंसर आ गया। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में स्थापित सोलर पार्कों का चयन कीजिए। तो कौन से? नंदिया कला, नोक और घुड़सर, ये तीनों हैं। ये तो पार्कों में देखो और देख लो, भडला हो गया, नदिया कला हो गया जोधपुर में, घुड़सर हो गया, नोक हो गया, फतेहगढ़ हो गया जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में जैसलमेर में हो गया, अमर सागर जैसलमेर में राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है सोलर रूफ टावर पावर जनरेशन स्कीम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है बताना है? तो पहला स्टेटमेंट है यह स्कीम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2009 को क्रियान्वित की गई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, यह योजना राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से संचालित की जा रही, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इसके तहत 3 किलोवाट ऊर्जा 40 अनुदान सब्सिडी पर एवं 3 से 10 किलोवाट एवं 20 अनुदान दिया जाएगा। तो ये सारी बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत किस वर्ष तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना? तो 2024-25 तक है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है बताना है? बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत सरसों का तूड़ी, बिलायती बबूल, चावल की भूसी है। बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना श्रीगंगानगर जिले में है। तो दोनों बातें ये ठीक हैं, क्लियर है। बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? गाय का गोबर है, तथा तो इसकी सर्वाधिक संभावना उदयपुर जिले में है। तो ये सही पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था ये, यहाँ पर देखिए सही पूछ रहा था ये। तो ये मतलब यहाँ पे असत्य लिखना था, इसको लिखना था असत्य, तब ये दोनों असत्य होते। बायोमास ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना ये बता रहा है उदयपुर में है, तो यहाँ पर गलती हुई है इससे, क्लियर है। तो आप इसको करेक्ट कर लो, जबकि बायोमास ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? तो गाय का गोबर है ये। चलिए नेक्स्ट है, बायोमास के रासायनिक संगठन के निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं कौन कौन से? तो पहला मीथेन हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया। पहला दूसरा तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन कीजिए। तो इसमें इस परियोजना का राजस्थान में बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ तक विस्तार है। दूसरा, इस परियोजना के दूसरे चरण में 7 राज्य शामिल हो गए हैं। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 2002 में की गई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना रीटा की 1985 में हुई थी और RPCL की 1921 में, दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को इनकी स्थापना की गई थी, क्लियर है। जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है किसको? 1911 से 21 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन से कथन सही हैं? मरुस्थली जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है, ये बात ठीक है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। भाई साहब ये तो गलत है, ये मतलब राष्ट्र में ये है, यहाँ पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा गलत हो जाएगा। तो ये पहला और तीसरा आंसर है। दौसा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा नहीं है पर सबसे ज़्यादा में से एक है। तो राजस्थान में घनत्व कितना? 200 है और सेंटर पर यानी कि भारत में कितना? 382 है। अगर सबसे ज़्यादा घनत्व हम देखें तो जयपुर में, भरतपुर में, दौसा, अलवर। कम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ग्रामीण सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना आपको कौन सा है? तो अवरोही क्रम में पाली है, फिर राजसमंद है, फिर डूंगरपुर है। ये ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है, क्लियर है। तो राज्य में लिंगानुपात बात करते हैं, एक तो एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ शहरी। तो
तो ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है यहाँ पे 933 और शहरी कितना है 914 है। ये सबसे ज़्यादा पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, अगर कम की बात करें धौलपुर, करौली, जैसलमेर, अगर शहरी में देखें टोंक और न्यूनतम में देखें जैसलमेर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में औसत शिशु लिंग अनुपात से कम लिंग अनुपात वाले जिले कितने हैं, तो ये 12 जिले हैं। और जबकि अधिक की बात करें सामान्य और लिंग अनुपात से कम वाले, सामान्य औसत लिंग अनुपात से कम वाले कितने, 15 हैं। वैसे शिशु में कितने, 12 हैं। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक शहरी साक्षरता पाई जाती है, तो कहाँ पर, उदयपुर में, जबकि न्यूनतम कहाँ पर, जालौर में है। शहरी साक्षरता की बात कर रहा है, इसको कन्फ्यूज मत करना। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के संबंध में कौन सा कथन है, विचार करना है इसको, ऐसे सत्य बताना है इसमें, जो जो सत्य है। राज्य में अनुसूचित जाति की तुलना में जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत अधिक पाई जाती है, तो भाई साहब ये गलत है। तो मतलब ऐसे ही ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सबसे ज़्यादा परसेंट श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में है, तो ये बात ठीक है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कम है, अपेक्षा अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कम है, तो दूसरे तीसरा ठीक है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सत्य कथन है बताना है। धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान पर है। दूसरा, देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22%, तो पहला स्टेटमेंट गलत है जबकि दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। देश के कुल खनिज उत्पादन में 22% योगदान है, धात्विक खनिज में 15% है और अधात्विक में 25% है। तो जबकि अधात्विक खनिज में राजस्थान प्रथम स्थान है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि धात्विक खनिजों में प्रथम स्थान है, नहीं अधात्विक में है प्रथम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एलो धातु खनिज नहीं है, कौन सी, मैगनीज नहीं है। एलो धात्विक खनिज में कौन कौन सा था, सोना आ गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम, सीसा, जस्ता, टीन, तांबा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जबकि मैंगनीज लोह वे अधात्विक खनिज क्षण में आता है। जी एस आई द्वारा सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं, कहाँ पर खोजे गए हैं, भाटी आंबा, देवलताई और उदयपुर में खोजे गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ संबंधित जिला है, तो कौन कौन सा, भाई साहब घिया पत्थर की हम बात करें तो घिया पत्थर कहाँ पर मिलता है, उदयपुर में मिलता है। वहीं बात करते हैं बेंटोनाइट की, बेंटोनाइट कहाँ पर मिलता है, ये बाड़मेर में मिलता है। थोरियम कहाँ पर मिलता है, पाली में, वहीं ये मिलता है ओकर, चित्तौड़गढ़ में, तो आपका भी आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट है, भद्रावन किस खनिज से संबंधित है, तो थोरियम से संबंधित है, कहाँ पर, ये पाली जिले में स्थित है। भद्रावन थोरियम परमाणु ऊर्जा खनिज का क्षेत्र है ये। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है, तो आपको पता होना चाहिए किसका, सीसा, जस्ता, बॉलिस्टरनाइट और ये सेलेनाइट, तो ये बार बार पूछा जाता है। अगर बात करें हम एकमात्र, देखिए किसका, बेलस्टनाइट कहाँ पर, बेल का मगरा सिरोही में, सीसा जस्ता राजपुर दरीवा राजसमंद, जावर में देवारी उदयपुर, गुलाबपुरा ऊंचो भीलवाड़ा और गुड्डा किशोरीदास अलवर, चौथ कबर बड़ा सवाईमाधोपुर, सेलेनाइट कहाँ पर, बीकानेर में मिलता है। अबरक के संदर्भ में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है बताना है। इसका भंडारण व उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद जिलों में होता है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। अबरक का उत्पादन कम होने के कारण इसे खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम के 4 बेसिनों के भंडारण मिले हैं, तो पहली बात ठीक है। नेक्स्ट है, विंध्य बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक है, दूसरी बात भी ठीक है। तीसरी, राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं इस पर आए, तो ये बात गलत है, पहला दूसरा इसमें ठीक है। 4 बेसिन कौन कौन से, बाड़मेर में संचौर बेसिन, राजस्थान सेल ये जैसलमेर, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्या में हड़ौती भीलवाड़ा बेसिन है। अगर पहले कुआ की बात करें तो मंगला पहले कुआ है, 2009 से उत्पादन शुरू हुआ था। दुर्गा संबंधित है किससे, पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित दुर्गा, कहाँ पर, बाड़मेर जिले में एक तेल क्षेत्र की खोज की गई जिसे दुर्गा नाम दिया गया है, किसके द्वारा, वेदांता समूह की केयर्न्स ऑयल एंड गैस द्वारा। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकारों का आरोही क्रम बताना है, कार्बन की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होता है, एंथ्रासाइट फिर बिटुमेनस में होता है, फिर लिग्नाइट में, सबसे कम पीट में होता है, तो पहला आंसर आपका आ जाता है। एंथ्रासाइट में 95% ये होता है कार्बन, बिटुमेनस में 60-70, लिग्नाइट में 50-60, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में ये कोयला ज़्यादा मिलता है, पीट में सबसे कम होता है। एम सेंड यानी पॉलिसी निम्नलिखित में से किस बार जारी की गई थी, तो 2021 में ये जारी की गई थी। नेक्स्ट है, पंचपत्रा पेट्रोलियम रिफाइनरी भारत की कौन सी रिफाइनरी है, तो भारत की ये 26वीं रिफाइनरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
सिंचाई के माध्यम सुमेलित बताना है और सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है। देखिए जहाँ तक नलकूप की बात करें सबसे ज़्यादा ये जयपुर में होता है इसके द्वारा सिंचाई। वहीं पर अगर नहर की बात करें तो श्रीगंगानगर है, तालाब की बात करें तो भीलवाड़ा है साउथ में। वहीं पर कुएँ की अगर बात करें तो कुएँ के द्वारा भी जयपुर में होता है, ये टोंक नहीं है, ठीक है, जयपुर आएगा इसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट है, शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होने पर किस बांध से जलापूर्ति की जाती है, तो कौन से पोंग बांध से की जाती है। नेक्स्ट है, रेणुका परियोजना से लाभान्वित जिलों का सम्मिलित नहीं है कौन सा, उत्तर प्रदेश रेणुका इससे नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित स्थान है कौन कौन से, फिरोजपुर, ये मसीता वाली, पुगल, मोहनगढ़, ये गढ़रा रोड सब इससे सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर में दो चरणों में निर्माण हुआ था, पहले में 393 किलोमीटर की हुई थी, दूसरे में 256 की। पहले में फिडर नहर और दूसरे मुख्य नहर, फिर पुगल, फिर दूसरे में पुगल और मोहनगढ़ की हुई थी। फिरोजपुर हो गया, मसीतावली हो गया, मसीतावली पुगल हो गया। नेक्स्ट है, स्काडा सिस्टम के उपयोग से संबंधित है क्या, बिजली का संचरण, पाइपलाइनों का तेल में परिवहन, जल वितरण, ट्रैफिक लाइट, तो चारों बातें सही हैं। पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों की सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, तो कितने, 13 की जा रही है। तो ERCP से लाभान्वित जिले कितने, 13, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक। सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ संबंधित जिले हैं, तो पहले की बात करें हम, मेजा कहाँ पर है, तो मेजा है आपकी बूंदी जिले में, तो बूंदी पहले का सॉरी वो मेज है सिंचाई परियोजना बूंदी में, बट मेजा कहाँ पर है, मेजा है आपकी भीलवाड़ा में। वही बात करते हैं अनास की, तो अनास कहाँ पर है आपकी, अनास है बांसवाड़ा। उसी की बेथली की बात करें तो बेथली वैसे बेथली वैसे बारा। और गलवा डैम कहाँ पर, गलवा डैम है आपका ये टोंक जिले में, तो सी आपका आंसर आ जाता है। तो कौन से राज्य नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है, तो कौन कौन से है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है, बाकी महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया, पहला दूसरे चौथा पांचवा इसका आंसर आ जाता है। तो यहीं इसी पर नर्मदा नया परियोजना पर स्प्रिंकलर ये ड्रिप एवं बूंद बूंद तकनीक की अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया था, तो 2009 में ये दर्जा दिया गया था ये। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा मिलित है इसका पहचान करना है, तो राजस्थान सहकारी कताई मिल कहाँ पर, भीलवाड़ा में, गंगापुर सहकारी कताई मिल ये हनुमानगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पे, ये भीलवाड़ा में है गंगापुर के नाम से भी, और श्री गंगानगर के नाम से ये कहाँ पे, ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो इसका इसे करके मिलान कर दिया है, तो पहला मतलब जो ऐसे मिले थे, दूसरा तीसरा ऐसे मिले थे, पहला ठीक है। नेक्स्ट है, एक तरफ तो सूची तो दे रखी, तो मिलान करना है इसमें से, तो पहले की बात करते हैं हम, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ पर है, तो ऊन के मामले में विकास बोर्ड, तो भाई कहाँ पर होगा ये होगा आपका जोधपुर में। वहीं बात करें बूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, तो टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो हम, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है, तीसरे का चौथा। और डी के भेड़ की बात करें तो भेड़ टोंक में है, तो ये आपका आंसर आ गया बी। सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ पर, ये जोधपुर में, अभी राजस्थान में ऊन उत्पादन क्योंकि नया डाटा है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। और स्टेट बूल मिल ये भी बीकानेर में है। अब नेक्स्ट है, देखिए कुछ मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। तो पहले क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति दर्पण की MN में रखी जाएगी, तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है, दी गई आकृतियों में कौन सी MN दर्पण की स्थिति पर रखा जाएगा, तो अब इसको इसका क्या आएगा, इसका बी आंसर आएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृतियों में से AB की स्थिति में रखा जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ए आंसर आ गया। नेक्स्ट का आंसर आएगा आपका, सारे दर्पण में रखवा दिए इसने, तो इसका आंसर ये आएगा। इतने तो नहीं आते हैं भाई, तो ये तो बेवकूफ़ी है। चलिए नेक्स्ट का आंसर, 6 क्वेश्चन अगर दर्पण से आ गए तो फिर तो लोग दर्पण ले लेंगे वहीं पे ही। 7 का आंसर आपका जो डी है, 8 का आंसर आपका डी है, 9 का आंसर देख लें आप सी है, 10 का आंसर देख लें आप बी है, 11 का आंसर है ए, 12 का आंसर है आपका सी 700, 13 का आंसर है आपका ए, 14 का आंसर देख लो ए है, 15 का आंसर है आपका सी, 16 का आंसर है आपका ए, 17 का आंसर है आपका ए, 18 का आंसर है आपका ए, 19 का आंसर है आपका सी, और 20 का आंसर है आपका ए।
अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको, तो सही कथनों पर विचार करना है। तो यह बजट 2022-23 में आई थी, नहीं 2021-22 में आई थी, ये क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान करने की लिए आई थी, तो दूसरी बात ठीक है। ये कब आई थी? 2021-22 में आई थी ये। केंद्र का और राज्य कितना है? 60-40 का है। स्वामी विवेकानंद सरकारी स्कूल के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा असत्य है? तो यह विद्यालय 6 से 12 तक संचालित है, तो बात ठीक है। यह RBSE पैटर्न पर आधारित है, तो ये बात गलत है। ये CBSE पैटर्न पर आधारित है। विद्यालयों में 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित रखेंगे, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, असत्य बताना है कि यह 2022 में आई थी, जबकि 24 अगस्त 2022 में आई थी। पहला स्टेटमेंट गलत है। स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को ट्यूशन फीस में पुनर्भरण प्रदान करती है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना कौन सा है। तो यह योजना 2021 से आई थी, जबकि ये 2021 से आई थी, 1 मई 2021 से ही आई थी, तो इसको डेट में इसमें फेरबदल कर दिया गया है। इस योजना में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करता है, दूसरी बात ठीक है। तीसरा, इस योजना में 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात के चिकित्सा खर्चा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में कुल 1633 उपचार पैकेज हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका प्रीमियम कितना? 850 रुपये प्रतिवर्ष है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब आई थी? तो 1 मई 2022 को ही आई थी। तो इसमें चिरंजीवी परिवार को 5 लाख रुपये परिवार निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया है। तो 7 प्रकार की दुर्घटनाओं को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? तो 50-50 का है ये। तो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू कनेक्शन देना है, ये कब आई थी? 15 अगस्त 2019 को। राजस्थान में कितने उपभोक्ता विवाद निवारण जिला मंच स्थापित किए गए हैं? तो कितने? 37 जिला मंच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी गई है? 55 वर्ष और 58 वर्ष। तो कितनी पेंशन दी जाएगी? 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है, तो ये बात कौन सी असत्य है? बात ठीक है। पहली, तो ये कहाँ पर? ये देखिए, महात्मा गांधी दिव्यांग विद्यालय कहाँ पर? जोधपुर में स्थापित किया गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है, असत्य पूछ रहा क्या? नहीं, पहली बात तो सत्य है, बट दूसरा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय उदयपुर में नहीं, जोधपुर में है, ठीक है? तो दूसरी बात असत्य है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संबंध में असत्य आपको बताना है, कौन सा असत्य है? तो विधवाओं को 1 लाख रुपये एकमुश्त और 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ये बात असत्य है। 1 लाख रुपये और 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, 1500, यहाँ पर 2500 कर दिया था इसका। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 28 की बैठक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये होगी यूएई में बैठक आयोजित की जाएगी। हेनले पासपोर्ट 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आ गया है? तो ये अब सिंगापुर पहले स्थान पर आ गया है। भारत के रैंक की बात करें तो 80 रैंक भारत की है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस समूह भारत होने वाला एकमात्र एशियाई देश है, ये बात असत्य है। भारत के साथ में बांग्लादेश भी है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, सर्ट इनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसको छांटना है। इसका पूरा नाम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंटरनेट है, जबकि ये बात गलत है। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रयान 3 के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है आपको। तो यह LBM-3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, पहली बात ठीक है। इसमें लैंडर और रोवर शामिल है, ये बात भी ठीक है। इसरो द्वारा इसे हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला 4था देश है, नहीं भाई साहब, पहला देश है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। कहां से? हरिकोटा से लॉन्च किया गया, लैंडर रोवर शामिल है। तो सफलता के उपरांत भारत चांद की सतह पर उतरने वाला 4था देश है, बट साउथ में पहुंचने वाला पहला देश है, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है। चलिए नेक्स्ट है, अब तो सक्सेसफुल कर लिया पुराना टेस्ट है। तो किस देश या देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार की सहमति दी है? तो किस किसने दी है? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, तीनों ने दिए है। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कितने पर विचार करना है? तो ये सूचकांक कौन निकालता है? तो ये निकाला जाता है नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। दूसरा, निर्यात
नीति, व्यापार परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात प्रदर्शन इसके स्तंभ हैं। और तीसरा तमिलनाडु इसमें शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान का छठा स्थान नहीं तो एक बात गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें आता है। वहीं पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो भू अवध राज्यों में राजस्थान छठे स्थान पर है, ओवरऑल में नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से भारतीय बैंक दुनिया का चौथा बैंक बड़ा बैंक बन गया, तो HDFC बैंक दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, चीन द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का पहला मिथेन ईंधन रॉकेट लॉन्चर कौन सा, ये जुई 2 है, ठीक है, जुई 2। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस स्थान से सल्फर कोटेड यूरिया को लॉन्च किया है, तो कहाँ से किया है, ये सीकर से किया है, इसको गोल्डन यूरिया भी कहा जाता है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कॉपीराइट से, ये कॉरपोरेट के संबंध से है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें जिले हैं सिरोही हो गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो ये 2047 तक समाप्त करना है, कब तक, 2047 तक। इसमें 8 जिले शामिल हैं राजस्थान के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन राजस्थान में कहाँ पर हुआ है, तो ये राजस्थान में उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वीर तेजाजी शोध केंद्र स्थापित होगा, तो ये कहाँ पे होगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ तो GI टैग उत्पादन, दूसरी तरफ स्थान है, तो बात करते हैं कंदमाल हल्दी की, तो ये कहाँ का है, ये है आपका उड़ीसा का। उसके बाद बात करते हैं पांडम की, तो पांडम कहाँ का है, मिजोरम का हस्तशिल्प है, कहाँ है, मिजोरम का। तिरुर सुपारी की बात करें, तिरुर सुपारी कहाँ का, केरल का है। वहीं कडांगी साड़ी की बात करें तो कहाँ का, तमिलनाडु का है। तो इसका आंसर आ गया, ये आ गया आपका सी। नेक्स्ट है, PW RSI हाल ही में खबरों में रहता तो किससे संबंधित है, ये W से देखो वीट आएगा, तो वीट से पकड़ लूँगा आप, गेहूँ की उच्च माइलेज किस्म जो Type 2 मधुमेह में हृदय रोग का खतरा कम करने में सक्षम है, तो आप ऐसे पकड़ लिया करें, देखिए W से वीट आ गया ना, तो इसे आप पकड़ लो। चलिए नेक्स्ट है, नॉर्डिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ, तो मंगोलिया के बीच में हुआ था, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। कार्लोस अल्कारोज ने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में किसे हराकर खिताब जीता है, तो राफेल नडाल को ये नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता था इन्होंने। इंडो ईस्ट अफ्रीकन ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया केन्या में। राजस्थान निर्यात समर्थन परिषद की भागीदारी में 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन कहाँ पर, केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया है। चौथे यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये खुशी पुनिया है। चौथे यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खुशी पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आज हमारा ये टेस्ट नंबर 2 था, जो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो अभी जिन दोस्तों ने भाई ये सीरीज़ पूरी नहीं देखी, तो सीरीज़ को पूरा देख लें, कौन सी, जो राजस्थान के PYQ कराया रखा हमने, जो राजस्थान की करंट अफेयर करा रखी घटना चक्र की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे जब नज़र आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि काश देख लियो तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, चलिए बाय बाय।